नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मैं आपके साथ स्वाति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। तालिबान के सवाल पर भागे इमरान खान, आरएसएस को बताया भारत पाकिस्तान की दोस्ती में दीवार। साइबेरिया में लापता हुए रूस के विमान ने की आपात लैंडिंग, खराब हो गया था एक इंजन। तालिबान ने रेड क्रॉस को सौंपा दनिश सिद्दीकी का शव, परिवार के पास जल्द लाया जाएगा भारत। कोरोना वायरस की थर्ड वेव को लेकर अगले 125 दिन है बेहद महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। 24 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं से निकाले गए 11 शव, पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब से संदिग्ध हालत में 16 की मौत, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 5 लोग। दिल्ली कैबिनेट ने एलजी को दिया बड़ा झटका, दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल किया खारिज। डीएमआरसी चलाएगा स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें, 14 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी बड़ी सुविधा। भोपाल में चपरासी और मजदूर चला रहे थे गैंग, 7 राज्यों के लोगों से 25 करोड़ रुपए ठगे। दिल्ली में 94,000 से अधिक चोरी के मोबाइल फोन को किया गया ब्लैकलिस्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।